हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। और हमारा आज का टॉपिक है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूएसएसआर किस तरह से बट गया और रशिया बना। तो ये आप लोग मैप देख सकते हैं, ये यूएसएसआर का मैप है, ये है यूएसएसआर का मैप, जिसमें से यूएसएसआर में ये कौन कितने कंट्रीज हैं। यूएसएसआर में आने वाली कंट्रीज हैं इस्तोनिया, लात्विया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये सारे कंट्रीज पहले यूएसएसआर के पार्ट थे। अब देखते हैं ये मैं, अब यूएसएसआर के विघटन के बाद हम देखेंगे कि रशिया जो कि यूएसएसआर से अलग हो गया ये सारे कंट्रीज, तो रशिया कैसा रहा, रशिया का मैप इस तरह का हो गया और उसका कैपिटल क्या है यहाँ पे मॉस्को। अपने एग्जाम्स के लिए आप लोग ये लोकेशन याद कर लीजिएगा, कारा सी, बेरेंट सी, सी ऑफ ओखोत्स, ईस्ट साइबेरियन सी, ये सारे लोकेशंस आप लोगों को याद कर लेने चाहिए, ये सारे लोकेशंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप लोग देख सकते हैं यूएसएसआर की ये जो सारे स्टेट्स हैं इन्हें सैटेलाइट स्टेट्स भी कहा जाता था और इन सैटेलाइट स्टेट्स को रशिया बहुत ही टाइटली कंट्रोल किया करता था। और इसके कारण क्या था कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बढ़ते जा रहा था और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो एक लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन यूएसएसआर के जो लोग थे वो बहुत ही गरीबी की हालत में जी रहे थे। और इसके कारण विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि ये यूरोप पर एक पर्दा की तरह है। पर्दा किस लिए उन्होंने कहा, क्योंकि ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप में एक तरह से ये बंटवारा का काम करता था, बांटने का काम करता था, और जो वेस्ट यूरोप था वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी फॉलो करता था, कैपिटलिस्ट पॉलिटी फॉलो किया करता था, और जो ईस्ट यूरोप था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया करता था, जिसके कारण हम लोग देखेंगे कि इसके डेवलपमेंट पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है आपका यूरोप का मैप और इसमें ये जो ये है ईस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप में जो कंट्रीज हैं ये रशिया, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, जो मैंने आप लोगों को बताया था, पोलैंड, तो ये सारे स्टेट्स ईस्ट यूरोप के पार्ट थे और इसके इधर वाले जो कंट्रीज हैं वो सब वेस्ट यूरोप के पार्ट हैं, जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्रीज, ये जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम, तो ये सारे कंट्रीज वेस्ट यूरोप के पार्ट्स थे। 1988 में हम देखेंगे कि मिखाइल गॉर्बाचेव जो कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे लेकिन वो रिफॉर्म्स में भी विश्वास रखते थे, उनका मानना था कि सोशलिज्म होना चाहिए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स भी साथ साथ, समय के साथ साथ रिफॉर्म्स भी दिया जाना चाहिए। और इसके तहत गॉर्बाचेव क्या करेंगे कि ये कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेंगे यूएसएसआर में थ्रू ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट मतलब क्या होगा, ओपननेस इन द स्टेट अफेयर्स, जो मैंने आप लोगों को अभी कहा। पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीबिल्डिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम को थोड़ा ये चेंज करने की कोशिश करेंगे, एंड डेमोक्रेटाइजेशन, तो ये सारे चेंजेस वो लाने की कोशिश करते हैं। और एट लास्ट क्या होता है कि ये ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को ही रिवर्स कर देते हैं। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन क्या होता है, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन में ऐसा कहा गया था कि वर्सो पैक्ट को यूज करते हुए इनका कहना था, ब्रेजनेव का कहना था कि अगर किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री पे कोई भी खतरा आता है तो ये यूएसएसआर की ड्यूटी होगी, यूएसएसआर क्या करेगा कि मिलिट्री इंटरवेंशन करके अपनी सेना को भेज के उस देश को बचाएगा। उनका ये भी कहना था कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत अगर कोई कम्युनिस्ट कंट्री जो कि यूएसएसआर का पार्ट है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को यूज करना चाह रहा है तो यूज कर सकता है, लेकिन उनके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसी के बीच क्या होगा कि वहां पर एक प्राग स्प्रिंग बोल के एक रेवोल्यूशन होगा और इस रेवोल्यूशन में लोग
सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, लोग आजाद होना चाहेंगे क्योंकि यहाँ के लोगों ने ये सारे चीजों को देख चुका था। यहाँ के लोग जब ईस्ट यूरोप के कंट्रीज में घूमने गए तो वहां पर उन्होंने ओपननेस देखा, उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट्स हुआ करते हैं, वहाँ के लोग कितनी आजादी से रहा करते हैं, वो कितने एडुकेटेड हैं, वो डेवलप्ड हैं, और इन सब चीजों को देख के उनके मन में भी ये इच्छा जागती है कि हमें भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़ के यूएसएसआर से अलग होना चाहिए। और इसको रोकने के लिए ब्रेजनेव क्या करते हैं कि अपनी मिलिट्री को भेज देते हैं। जब रशियन आर्मी वहां जाती है तो अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर देती है। रशियन आर्मी उस रिवॉल्यूशन को दबाने की दबाती नहीं है, जिसके कारण हम क्या देखेंगे कि अल्टीमेटली ब्रेजनेव को हार मानना पड़ता है और इस तरह से यूएसएसआर टूट जाता है और यूएसए एक यूनिपोलर पावर बन जाता है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि उस समय दो पावर्स हुआ करते थे, फर्स्ट वॉज द यूएसए एंड द सेकेंड वॉज द यूएसएसआर। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है तो सिर्फ एक सुपर पावर बच जाता है जो होता है यूएसए। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी वर्डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी वर्डी।